हो गया सोल का, अभी अभी पता चला, मुझे भी अभी अभी पता चला एक्चुअली। कल तक हमको भी कुछ नहीं पता था, हमको बस इतना कहा गया था कि यू कांट से एनीथिंग एंड यस, हमने कुछ नहीं बताया तुम लोगों को। सोल 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 सोल, यस गाइस, सोल क्वालिफाई कर चुकी है। रीजन बताना चाहूंगा, आई हैव द रीजन इन फ्रंट ऑफ मी। अ टीम मेंबर और अ कोच कांट इज ओनली अलाउड टू प्ले फॉर वन टीम, वो दूसरी टीम से नहीं खेल सकता बाद में जाके। तो ये प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे जो हमारी फोर हीरोज की टीम थी, उनमें से किसी एक बंदे ने पहले खेला एंड उसके बाद जाके दोबारा से खेला, तो ये प्रॉब्लम हुई एंड दैट इज व्हाई वो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करे, वो डिसक्वालीफाई हो गए। एंड सोल क्वालिफाई कैसे करिए, बहुत लोग पूछ रहे होंगे, यार बायस क्यों हो रहे हो। सोल ने क्वालिफाई सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो सेवंथ पोजिशन पे थे, अगर वो एट्थ पे होते तो वो क्वालिफाई नहीं करते, सिंपल सी बात है यार। रूल्स, ये ऑफिशियल टूर्नामेंट है, रूल्स सबके लिए बराबर होते हैं यार। और या मुझे तो पता था डिस्क्वालिफाइड हुई तभी फ्री सोल। अरे ऐसी बात नहीं है ब्रो, दिस इज नॉट अबाउट टीम सोल, इट्स अबाउट के कौन सेवेंथ नंबर पे था। अगर कोई भी टीम होती यार, डजेंट इवन मैटर कौन सी टीम होती, कोई भी टीम होती उनको स्लॉट मिलता था। एक और रूल था, कहाँ गया, गिरा, सबमिशन ऑफ रोस्टर एंड टीम रजिस्ट्रेशन। तो जब तुम रजिस्टर करते हो ना उनकी वेबसाइट पे, बैलग्राउंड मोबाइल इंडिया की वेबसाइट पे रजिस्टर करते हो, तो तुम्हारे से आधार कार्ड वगैरह सारी डिटेल्स मांगी जाती हैं। एंड मुझे जो सुनने में आया, कुछ टीम्स ऐसी भी थी जिन्होंने आधार कार्ड तो दिया किसी और का और खेले कोई और लोग थे, तो वो भी एक तरह से चीटिंग हुई, हैकिंग नहीं करी किसी ने। मैं दोबारा कहूंगा, यहाँ पे जितनी भी 24 टीमें हैं किसी ने हैक नहीं करा है, सब क्राफ्टन से क्लियर है, कोई हैकर नहीं है, अभी तक कोई हैकर नहीं है।